देखिए सबसे पहले हम आपको आज कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ आपकी कंप्लेंट आई है कि सर जी थोड़ा बहुत हमें क्लास जैसा माहौल उत्पन्न नहीं हो रहा है और हमारे समझ में भी कम आ रहा है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, एक तो ये है कि आप जब पढ़ाई करते हैं अपने मोबाइल से तो अकेले रहें, एकांत में रहें और पूरा फोकस मोबाइल पर और अपने उस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पढ़ने के लिए बैठे, आधी वीडियो देख ली, फिर पीछे निकाल के देख ली, फिर एक बार पूरा देख ली, ऐसा नहीं। एक बार उसे पूरा एक साथ देखिए, फिर आपके वो साइड टॉपिक कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको कल जो मैंने आपको बताया था उसी के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार, ये टॉपिक चल रहा है हमारा मूल अधिकार। इसमें आपको कल एक बताया था, सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सबसे पहले डेट अगर हम लिखे दिसंबर 1980, यही चीज बताई थी मैंने आपको दिसंबर 1980। और मैं आपको बता दूं इसमें एक, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं अध्यादेश। इसने आपका दिमाग खराब करके रखा है सर जी, ये अध्यादेश हमारे समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए मैं आपको बताने चाहता हूं कि अध्यादेश क्या होता है। संसद के कार्य पढ़ते हैं हम और संसद के कार्य में आता है संसद का एक सत्र, या जिसे हम कहते हैं सत्रावसान, सत्रावसान। ये क्या होता है? ये होता है संसद जैसे सर्दी गर्मी और बरसात, ये तीनों मौसम होते हैं। इन तीनों मौसमों में संसद अपने कार्य करती है, कुछ नए संशोधन लागू करती है, कुछ नए विधेयक लागू करती है, कुछ नए कानून लागू करती है। तो ये सत्र होता है, ये सरकार का टाइम टेबल होता है, उसके आधार पर सरकार कोई नए प्रोजेक्ट तैयार करती है या पुराने प्रोजेक्टों में कुछ संशोधन करती है। अब बात आती है अध्यादेश की कि अध्यादेश क्या है। तो अध्यादेश है कि जब कभी भी हमारे देश में आवश्यकता पड़े, अचानक कोई भी आवश्यकता पड़े किसी कानून को लागू करने की और संसद का उस समय सत्र नहीं चल रहा होता है, भाई संसद का सत्र समाप्त हो चुका होता है, तो क्या उस समय उस कानून को लागू नहीं करेंगे? जी हाँ, कर सकते हैं। राष्ट्रपति तत्कालीन एक बैठक करता है, राष्ट्रपति तत्कालीन एक बैठक करता है और उसमें एक नया कानून पारित कर देता है। अब हम कहें ये जो राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाता है इसकी अवधि निश्चित होती है कितने महीने, ये मात्र 6 महीने तक कार्यरत रह सकता है। सत्रावसान के द्वारा जो भी विधेयक या नया प्रोजेक्ट या जो कोई नया कानून बनाया जाता है वो सिर्फ 6 महीने की अवधि के लिए ही निश्चित होता है, चाहे भले सरकार इसे परमानेंट कर दे। अगर सरकार इसे परमानेंट करेगी तो उसी जैसे विधेयक पास होते हैं ना, विधेयक कैसे पास होते हैं कि पहले प्रथम सदन में तो यहाँ पर 3 वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है, फिर द्वितीय सदन में यहाँ पर भी इसी प्रकार गुजरना पड़ता है, फिर उनका बहुमत लिया जाता है सदस्यों का, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, फिर पुनः विधेयक वहाँ जाता है,
तो ऐसी विधि के द्वारा इस कानून को हम दोबारा काम में लाकर इसे परमानेंट कर देते हैं। परंतु हमें यहाँ पर कानून परमानेंट नहीं करना है, अभी तो हम यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं अध्यादेश। जब हमारे देश के सामने सत्तासाल सत्र का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कानून बनाए जाते हैं या जो प्रोजेक्ट लागू किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। आगे समझ में, दोबारा सुनो, कानून पारित करेगी सरकार सत्रों में, उन तीनों सत्रों में। अगर अचानक कोई कारण फंस जाए, देश के सामने कोई आपत्ति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति देश में कानून लागू कर देता है। तो ये रहा था दूसरा। दूसरा है निवारक, नजर बंदी। निवारक नजरबंदी क्या है कि इसमें ये सबसे पहले तो आप एक बात और ध्यान रखिए कि रट्टा विकसित मत करो। एक व्यक्ति, इसमें व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, या हमें अपराध रोकने की प्रक्रिया। जैसे कोई व्यक्ति एक अपराधी है और हम उसे दंड दे देते हैं, अगर दंड दे दिया तो ये कोई निश्चित नहीं है कि वो दंड से सुधर जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो दंड से सुधर सकता है, ऐसा हो सकता है परंतु इसमें चांसेस उसके ज्यादा होते हैं कि वो एक कुख्यात अपराधी बन सकता है। इसलिए ये दंड देने के बजाय एक रोकने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति जिससे राज्य को या देश को कोई खतरा उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। उस नजरबंदी में क्या होता है, उस व्यक्ति पर निगरानी रखी जाती है और उस निगरानी में उस व्यक्ति से कहीं भी अपराध न हो ऐसे करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर फिर भी वो लगता है कि अब ये अपराध करने वाला है तो उस व्यक्ति को हम इसके दौरान 3 माह के लिए बंदी बना सकते हैं। दूसरी बात, बंदी बनाने के लिए किसी भी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। चलिए, यहां तक निवारक नजरबंदी, किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना या ये अपराध रोकने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति से राज्य को खतरा हो, देश को खतरा हो, तो उस व्यक्ति को निगरानी में रखा जाता है, नजरबंद किया जा सकता है। नजरबंदी के दौरान अगर लगता है कि फिर भी ये कोई ना कोई एक अपराध कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। पर बंदी बनाने के लिए किसी भी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति होना अति आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के नाम लिखकर प्रत्येक का
वर्णन सबसे पहली बात जो अपने छह मूल अधिकार है अगर छह नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हमको पूरे का वर्णन करता करना है और उसके प्रत्येक अनुच्छेदों का वर्णन करना है। पहली बात तो छह एक साथ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, चार अंक में वह पूछता है और कोई भी या तो वो दो अधिकारों के नाम स्वतः ही दे देता है या फिर हमसे इस क्वेश्चन को लिखते हुए और कोई भी आप अपनी इच्छा से कोई भी दो का वर्णन कर सकते हो। तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि मूल अधिकार है क्या चीज, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कितने मूल अधिकार हैं, किस देश से लिए गए हैं और किस भाग में है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्यक्तियों के विकास के लिए मूल अधिकार अनिवार्य है, अर्थात हमने लिखा था सर्वाधीन या कर्मधारक चहुमुखी, व्यक्ति के सर्वाधीन सभी क्षेत्रों में सभी दिशाओं में चारों ओर सभी दिशाओं में विकास होना भी आवश्यक है। ये अधिकार USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिए गए हैं, भारतीय संविधान में लिए गए हैं, जो संविधान के कौन से भाग में, जो संविधान के भाग तीन में उपस्थित है, इनसे संबंधित अनुच्छेद बारह से 35 है, अर्थात कुल अनुच्छेद 30 है। ये हमारी हो गई उस क्वेश्चन की विस्तारना। याद रखिए अब हम छह अधिकारों के नाम लिखते हैं, आपको छह अधिकारों के नाम लिखने हैं। पहली बात सबसे पहले ये व्यक्ति के सर्वाधिक विकास के लिए अति आवश्यक है मूल अधिकार, बगैर मूल अधिकारों के व्यक्तियों का विकास नहीं होता है, इसलिए क्योंकि संविधान का निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा किया गया, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना विकास करने के लिए उन्होंने इस संविधान में अपने मूल अधिकारों का वर्णन किया जो जनता के हक के लिए है। दूसरी बात ऐसी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में थी इसलिए वो वहां से हमारे देश से लिए हमारे देश में ली गई है जो हमारे भाग तीन में मौजूद है। दूसरा इससे संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 है और कुल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, 23 है। मैं छह का नाम नहीं लिख रहा हूँ, एक एक का नाम लिखूंगा और एक एक का आपके सामने वर्णन करके समझाऊंगा। क्लियर। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 से 18। देखिए जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिकों के लिए सबसे पहले सूचना जो भी अधिकार है वे किसके लिए है, प्रत्येक नागरिकों के लिए। तो हम लिखते हैं अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 के अनुसार पहला है कानून के समक्ष समान। देखिए भारत देश में जो भी कानून मौजूद है जो वर्णित है वह सभी के लिए समान है। जो दोष सिद्ध हो जाता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, निम्न का हो या उच्च का हो, एक गरीब जाति से हो या किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो या किसी बहुसंख्यक समुदाय से हो, तो कानून की दृष्टि में सभी समान माने गए हैं। सभी के साथ दंड की समान व्यवस्था है, सभी के साथ दोष सिद्ध न होने पर बरी करने की समान व्यवस्था है। अब हम कहें उसका एक और उदाहरण आपके सामने, आप जानते हो, आप टेलीविजन देखते हो, मोबाइल नेटवर्क प्रयोग करते हो, कि एक न्यायपालिका की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में एक तराजू होता है, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो सुनती है कि दोष सिद्ध होने पर ही वो किसी के साथ फैसला करती है। अर्थात कि भारत देश में कोई भी नागरिक है, किसी भी प्रकार का है, किसी भी जाति का है, धर्म का है, वर्ग का है, लिंग का है, सभी कानून की दृष्टि में समान है और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म वंश जाति लिंग संस्कृति भाषा लिपि के समक्ष समान। हम कहेंगे कि ये एक लाइन जो है इसको मैं एक शब्द में लिख देता हूं विविधता। अब हम कहें कि भारत देश में इस आधार पर जो ये आधार लिखे हैं किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे इनके स्थान पर और भी जैसे हम कहें भोजनालय, शौचालय, मनोरंजन के साधन पार्क हुए, मंदिर मस्जिद हुए, फिर आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 16 के अनुच्छेद 16 के अनुसार आप सर्वों की अवसरों की समानता। देखिए हमारे समाज में शैक्षणिक स्तर पर जो योग्यता एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति रखता है उसी आधार पर एक निम्न वर्ग का या दलित वर्ग का या अनुसूचित जाति का जनजाति का वो भी उपलक्ष रखता है। अर्थात अवसर जो भी व्यक्ति जिस पद पर
कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसी पद पर किसी भी समुदाय का व्यक्ति भी जा सकता है, उसे किसी भी आधार पर वहां तक नहीं रोका जा सकता है जहां पर एक आम नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक निम्न जाति का बन सकता है, उच्च जाति का, एक कलेक्टर जनरल वर्ग का बन सकता है या एक दलित वर्ग का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। सिर्फ शैक्षणिक योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए पर वह व्यक्ति अवसरों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पष्टता का अंत, इसको हम उच्चारण छुआ छू अर्थात भेदभाव समान। भारत में अगर कोई भी भेदभाव होता है उसके लिए कठोर कानून की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा 3SC Act के मुकदमे, 4SC Act के मुकदमे, कि अगर कोई भी भेदभाव करता है या उसे जाति सूचक शब्द से संबोधित करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायपालिका द्वारा या हमारे देश की कानून व्यवस्था द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। लास्ट है अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि का अंत। देखिए सभी क्षेत्रों में उपाधि समाप्त कर दी गई है, सभी के लिए सिर्फ 2 क्षेत्र रह गए हैं, एक को विद्या और एक सेना। इन क्षेत्रों में ही उपाधि दी जाएगी, अन्यथा और किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ये सिर्फ ये उपाधि किसकी अनुमति से दी जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। एक बार पुनः समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सभी नागरिकों के लिए दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता, अर्थात भारत देश में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होंगे, सभी के साथ कानूनी तौर पर सही व्यवहार या सही तरीके की व्यवस्था की जाएगी। भारत देश में अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वंश, लिंग, जाति, संस्कृति, भाषा, लिपि के समक्ष समानता दी गई है। किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर कि जिस पद पर आप जा सकते हैं और कोई भी दलित व्यक्ति भी उसी पद पर जा सकता है, अर्थात हर व्यक्ति को समान उचित अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 के अनुसार भेदभाव की समाप्ति की है, छुआछूत या भेदभाव को समाप्त किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में विद्या और सेना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट अब अगला अनुच्छेद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।